व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कुछ लोग मेरा और नया वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं आज नीलबगान जो इनका माट है वो किस तरह से सजाया है आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए, ये है नीलबगान ईदगाह माट जो दिखने में बहुत सुंदर से सजाया है। एंड ये देखिए कितना शानदार लाइटिंग और देखिए कितना, तो आप लोग और ये देखिए ऊपर जो लाइट है वो, एंड ये देखिए इधर से जो लाइट है पूरा जिग-जग कर रहा है लाइट, और ये देखिए कितना सुंदर है, और हमारा ईदगाह मैदान जो है बहुत सुंदर लग रहा है। ईदगाह मैदान जो इतना सुंदर से सजाया है, क्या लाजवाब से सजाया है, क्या कहूँ। एंड गाइस इधर बैलून फुला रही है सब लोग। सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। दबा के जाकर सेट कर दीजिए। एक मेरा छोटा भाई है, तुमको कैसा लग रहा है इधर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा क्यों नहीं लगेगा, बहुत सुंदर से सजा है। रात के 11 बज चुके हैं और काली दे मिलते हैं सीधा कल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ईद मुबारक आप सबको, मेरी तरफ से ईद मुबारक। और अभी थोड़ी देर पहले फजर का नमाज पढ़ के उठा, और अभी 7:30 बजे हमारा जो ईदगाह मैदान है वो इस पर नमाज है, और देखते रहिए मेरे साथ आप भी। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं नीलबगान, तो हमारा ईदगाह माट वो ही जा रहा है, और देखिए बहुत अभी हम ईदगाह के अंदर आ गए एंड ज्यादा लोग नहीं आए, थोड़ी देर बाद आए। मौलाना दिलो तो दुनिया आशा तमन्ना आकांक्षा तो सब रे बार पड़े लेसी दिलो आमी तौबा इस्तगफार और जाने लेसी बहुत अच्छी। اللهم انا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا والا بلا شاكر ترك يا مولا اقدر। एंड आप लोगों को एक चीज दिखाऊं, रुको ये देखिए इतना लोग जो खिलौना के दुकान पर है, इतना लोग देखिए आप लोग, हम तो नहीं जाने वाले भाई इतना लोग। सो गाइस यही था आज का एक छोटी सी वीडियो। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक बनता है, और मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।